कहाँ से आया? उन्नाव से। कानपुर से कितनी दूर है उन्नाव? उन्नाव से मेरे दूर है 25 किलोमीटर। आपको क्या दिक्कत थी दरमियान? सर हमें पाइप का प्रॉब्लम था और इतना प्रॉब्लम हो गया था कि ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी, जिसके बाद हमें बहुत दिक्कतें बढ़ी, जिसके बाद हमने आपके बारे में पढ़ा कि आयुर्वेद में इसका ट्रीटमेंट है, तो मैंने आपके बारे में नेट पे पढ़ा और मैं यहाँ आया और आपने मेरा ट्रीटमेंट किया क्षार सूत्र विधि से, जिसमें मुझे तीन बड़े मसले थे जिनको आपने क्षार सूत्र विधि से ठीक किया और मैं करीब 15 दिनों में पूरी तरीके से ठीक हूँ। अच्छा, आपके जो मैंने इलाज किया तो आपको कितनी देर भर्ती किया मैंने? सर आपने मुझे मात्र 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए रखा था मैक्सिमम। इलाज करने में कितनी देर लगी थी? 10 मिनट। तो आपके कितने मसले किए थे? तीन मसले किए थे सर आपने। कितनी देर में? मात्र 10 मिनट में। उसके बाद आप यहाँ पे अस्पताल में कितनी देर रुके हमारे यहाँ? मात्र 10 मिनट 15 मिनट। उसके बाद घर? उसके बाद सर घर गए थे। कोई आराम परहेज किया घर जाके? सर कोई खास ज्यादा नहीं, कोई खास आराम नहीं। जॉब वगैरह पे बैठे? जी रेगुलर जॉब पे जी। कुछ दर्द रहा? कोई खास दर्द नहीं था, दवाइयाँ चल रही थी सर, मेडिकेशन में बिल्कुल आराम थी, कोई बहुत ज्यादा कहीं थोड़ा बहुत हुआ तो दवा चलती थी, कोई दिक्कत नहीं। दवा के नाम पे हमने आपकी क्या अंग्रेजी दवाई थी, एलोपैथी की? नहीं सर आयुर्वेदिक, सब आयुर्वेदिक थी सर। किस प्रकार दवा थी, लगाने की खाने की? क्या सर कुछ लगाने की कुछ खाने की थी सर, पत्ती आयुर्वेदिक दवाई? जी जी। अच्छा, इलाज के बाद सर आप कैसे महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, जिंदगी में वापस आए हैं। चलो बढ़िया। अच्छा ये बताओ आप कुछ बताना चाहें कि एलोपैथ में आप क्यों नहीं गए इलाज कराने? क्योंकि एलोपैथ सर परमानेंट नहीं है, परमानेंट ट्रीटमेंट हम फील नहीं करते हैं। एक्चुअली मुझे एकदम 2016 में हुआ था, मैंने ट्रीटमेंट नहीं कराया इसका, एलोपैथ से नहीं कराया, क्योंकि मुझे सिर्फ एलोपैथ की जानकारी थी और जहाँ तक एलोपैथ के बारे में मुझे पता है तो उसके हिसाब से अगर मैं ट्रीटमेंट कराता तो मुझे फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, इसीलिए मैंने एलोपैथ को जैसे मान लें कि हम ट्रीटमेंट कराते हैं तो मसों को काट कर काट देते हैं, तो भविष्य में मुझे जो है वो नेचुरल कॉल आने पर हमारा छूट सकता था, बॉडी में छूट सकती थी, तो वो हम नहीं चाहते थे, तो जिसके बाद हमने फिर 3 साल मेडिकेशन किया और हमें आराम मिला, लेकिन फिर से दोबारा मुझे प्रॉब्लम आई, तब मैं वापस आपके पास आया और आज मुझे वैसी कोई समस्या नहीं है। सेटिस्फाइड हो? बुरी तरीके से। हमारे यहाँ नहीं, पहले कभी आया था तो इलाज कराया? नहीं कभी नहीं कराया था। अब कुछ उम्मीद लगी कि आयुर्वेद कुछ इलाज संभव है? सर बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है और इससे बेहतर मुझे लगता है कुछ नहीं है। अच्छा, खुदा का खास्ता कभी भी कोई बीमारी हो आपको, भगवान ना करे आपको, पर अगर होती है तो क्या आप आयुर्वेद इलाज करना ट्राई करो? बिल्कुल करेंगे सर। आयुर्वेदिक ये मॉडर्न आयुर्वेद जो है वो बहुत अच्छा है। एक आयुर्वेद जो हुआ करता था वो ओल्ड ट्रेडिशन पुराना था, जिस पर लोग बिलीव कम करते थे क्योंकि इट वॉज टाइम टेकिंग, थोड़ा वक्त लेता था, लेकिन जो मॉडर्न आयुर्वेद है वो बहुत अच्छा है। मॉडर्न आयुर्वेद से क्या मतलब है तुम्हारा? मॉडर्न इन द सेंस आपका जो ओल्ड ट्रेडिशन था उसको मॉडर्न टाइप में कन्वर्ट करना, नई ट्रीटमेंट, नई टेक्नोलॉजी जो आयुर्वेद में आई है उसे मॉडर्न ट्रीटमेंट कहते हैं मेरे हिसाब से, और जो कि बहुत प्रभावकारी है, हेल्पिंग है लोगों के लिए और जो कॉस्टली नहीं है, नो साइड इफेक्ट के साथ काम करती है। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। जी सर। अच्छा आप कुछ बोलना चाहोगे गवर्नमेंट को कि ये सरकारी में जरूर होना चाहिए? सर मेरे हिसाब से जो लोग इससे परेशान हो रहे हैं और ये छोटी सी बीमारी जाकर आने वाले वक्त में बड़ी हो जाती है जिससे उनकी जान पर बनाती है, तो मेरा तो सरकार से निवेदन है कि वो इस ट्रीटमेंट को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल कराए ताकि हर आदमी उसको करा सके, कम पैसे लगते हैं और सेफ रहता है। चलो बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद आपका।